नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबर पर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए 41 मजदूरों को ऋषिकेश किया गया शिफ्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के साथ मनाई दीपावली। मजदूरों के परिवार में खुशी का माहौल। पश्चिम बंगाल से गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार, सीएए देश का कानून है, लागू करके रहेंगे। ममता सरकार को घेरा, रविन्द्र संगीत की जगह धमाकों की गूंज। चीन में बच्चों के फेफड़े फूलने वाली बीमारी से अलर्ट मोड पर केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु के लिए जारी किया अलर्ट। वोटिंग से पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक बुलाने पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश। 30 नवंबर को बिना किसी एजेंडे के बुलाई गई है बैठक। बालाघाट पोस्टल बैलेट मामले में एसडीएम भी निलंबित। कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव आयोग से की थी शिकायत, तहसीलदार को पहले ही किया जा चुका है निलंबित। भारत गौरव यात्रा ट्रेन में 40 यात्री फूड पॉइजनिंग के शिकार। रेलवे की सफाई प्राइवेट वेंडर ने सप्लाई किया था खाना, सुप्रिया सुले ने की जांच की मांग। सुरंग से बचाए गए श्रमिक अनिल बेदिया ने किया खुलासा, हादसे के बाद उन लोगों ने अपनी प्यास बुझाने के लिए चट्टानों से टपकते पानी को चाटा। शुरुआती 10 दिनों तक मुरमुरे खाकर जीवित रहे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के दौरान उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग के बचाव अभियान का मुद्दा भी आया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत भावुक थे। कांग्रेस ने उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने के बाद कहा ऐसी भी परियोजनाओं का ऑडिट कराया जाना चाहिए जिनका क्रियान्वयन जारी है। उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए श्रमिकों को हेलीकॉप्टर से बुधवार को ऋषिकेश स्थित एम्स लाया गया, यहां उनका गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कुछ नेताओं का मूल्यांकन उनके साधारण पहनावे या कम कीमत वाली घड़ियों के आधार पर नहीं किया जा सकता, वे आम जनता से अपनी असली संपत्ति छुपाने में बहुत चतुर होते हैं, इनका असली स्वभाव उनके बच्चों को देखकर पहचाना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा, कहा मुख्य सचिव की सेवाएं 6 महीने के लिए बढ़ाने के केंद्र के फैसले को कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। म्यूनिख से बैंकॉक के बीच उड़ान भर रहे लुफ्थांसा के एक विमान में सवार एक दंपति के बीच कहासुनी, हालात बिगड़ने पर विमान को बुधवार को दिल्ली लाना पड़ा और उन दोनों को इसमें से उतार दिया गया। सुरंग से निकाले गए मजदूरों को 1-1 लाख के चेक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौंपे। चिन्यालीसौड़ अस्पताल में उनसे मिलकर उनका हालचाल जाना। वायनाड लोकसभा सीट से फिर चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा यह राज्य और उनका संसदीय क्षेत्र उनके लिए घर की तरह है। श्रीलंका के चाय बागान क्षेत्रों में 10,000 मकानों का निर्माण करेगा भारत। इस परियोजना को आकार देने के लिए राष्ट्रीय आवास विकास प्राधिकरण और राज्य इंजीनियरिंग निगम ने 2-2 अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आवासीय परियोजना का चौथा चरण श्रीलंका के 11 जिलों और 6 प्रांतों में फैला हुआ है। शेयर बाजार में बड़ी उछाल, सेंसेक्स 723 अंक की छलांग लगाकर 66,902 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 207 अंक चढ़कर 20,097 अंक पर पहुंचा। दिल्ली में ग्राप 1 ग्राप 2 की पाबंदियां कड़ाई से लागू करने के लिए निर्देश जारी, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिए निर्देश। दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर। रणबीर कपूर की एनिमल पर चली सेंसर बोर्ड की कैची, सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी कई सीन हटाए गए। फिल्म से किसिंग सीन्स, अब शब्द हटाने को कहा। फिल्म के कई डायलॉग भी में भी होंगे बदलाव। 1 दिसंबर को रिलीज होगी यह फिल्म। मुंबई पुलिस ने किया सलमान खान की सुरक्षा का रिव्यू। पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग के बाद लिया गया फैसला। सलमान संग दोस्ती की वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया था सिंगर के घर पर हमला। पुलिस ने दी थी सलमान को सतर्क रहने की सलाह। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।